सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को गुजरे हुए 300 सालों से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन हरदा का एक ब्राह्मण परिवार ने अपनी 5 पीढ़ियों से गुरु गोविंद सिंह के हाथों से लिखी सनत संभाल कर रखी हुई है। परिवार का कहना है कि 17वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह उनके घर आए थे, तब परिवार के सेवा और समर्पण भाव से खुश होकर उन्होंने परिवार को अपने हाथों से लिखकर एक सनद दी थी। परिवार पिछले 300 सालों से उसे सहजे हुए है। 17वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ जा रहे थे, तब गांव हंडिया आए थे। यहां वे 2-3 दिन रुके थे। उस वक्त ब्राह्मण परिवार ने उनकी सेवा की थी। गुरु गोविंद सिंह जी सेवा से काफ़ी खुश हुए थे, इसलिए जाते समय उन्होंने एक सनद लिखकर दी थी, जिसकी मूल प्रति आज तक हंडिया में है, किसी को नहीं दी गई है। हरदा से अब्दुल समद की रिपोर्ट। मेरा नाम जितेश जी खनुजा। ये हंडिया में जो सनद है गुरु साहब की, क्या है इसके पीछे? ये सिखों के 10वें गुरु, पहले तो मैं गुरु ग्रंथ साहब जी के इस पावन पर्व पर सारी संगत को लग लग बधाई देता हूँ। और अपना श्रद्धा से ये सर्वंत दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि अपना पूरा परिवार सर्वस्व कर दे निशावर करने के बाद, जो कि उनका पूरा परिवार सर्वस्व हो गया था, उसके बाद यहाँ दक्षिण भारत की ओर जाते हुए हंडिया में आकर रुके, और एक ब्राह्मण परिवार था वहाँ उन्होंने एक संदेश एक अपने हाथ से खाते लिख के दे के गए थे। वो आज भी उस ब्राह्मण परिवार में रखी है। हम लोग जब भी उसके पास जाते हैं वो हमें वो देते नहीं, और उन्होंने उनको गुरु की तरह ही उनके हाथ से लिखी जो लिखी है उनका वो बहुत ही मान और सम्मान करते हैं। हम जो नर्मदा के किनारे रहने वाले सिख परिवार हरदा में रहते हैं, हमको जब भी गुरु जी के दर्शन करने होते हैं हम उस परिवार के पास जाते हैं और माथा टेकते हैं, और बहुत ही सम्मान से उन्होंने गुरु जी को जैसे रखा हुआ है उनकी बहुत ही सम्मान करते। हम लोग कई बार उनसे मांगने भी गए, लेकिन उन्होंने ये हमें गोर जो उनके पास रखी है वो हमें दी नहीं है। क्या संदेश है उसमें? उनका संदेश पर क्या ये कि उन्होंने एक ये कहा कि सब सिक्कों को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। उन्होंने आपसी भाईचारा संदेश का संदेश दिया है, और उन्होंने पूरा परिवार अपना सर्वस्व निशावर करने के बाद भी बिल्कुल एक संदेश दे के गए कि हमेशा प्रेम रखो, आपसी में भाईचारा रखो, कोई द्वेष की भावना किसी के मन में नहीं होना चाहिए, अपनी भाईचारा संदेश दे के गए।